तो बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। अम्फान तूफान के चलते जो तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है, उसका दौरा करने के लिए पीएम मोदी जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम से हालात का जायजा लेने की अपील की थी और उसी अपील पर अब प्रधानमंत्री मोदी सर्वेक्षण के लिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे और पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। तबाही मचाई है अम्फान तूफान ने, सब कुछ तहस नहस कर दिया है और एयरपोर्ट पर पानी भरा है और हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब इस चीज का दौरा करने के लिए, इस तबाही को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे, कल हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत करते रहे और भरोसा दिलाया कि केंद्र उनके साथ में खड़ा हुआ है इस मुश्किल के वक्त में। हालांकि इस पूरे तूफान से पहले कम से कम 10 लाख लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये जो साइक्लोन है 160 से लेकर 180 किलोमीटर की स्पीड से आया और सब कुछ तहस नहस कर गया है। हमारे साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ममता बनर्जी की अपील को माना है और कल हवाई सर्वेक्षण करने जा रहे हैं पीएम मोदी, और डिटेल्स आप दें। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से चक्रवाती तूफान अम्फान ने भारी तबाही मचाई है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से जान माल का भारी नुकसान हुआ है, 76 मौतों की पुष्टि खुद राज्य प्रशासन ने की है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वो पश्चिम बंगाल का दौरा करें और हालात का जायजा लें, ऐसे वक्त जब संकट बड़ा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे आज दिन में, और उन्होंने इस संकट की घड़ी में पूरा देश उड़ीसा और बंगाल के साथ खड़ा है ये कहा था। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी, राज्य सरकारों को यह भरोसा दिया गया है। इस बीच जो बैठक हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें ताजा हालात की जानकारी ली गई थी, और ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कल हवाई सर्वे करेंगे। जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें जानमाल का जो नुकसान हुआ है उनका आकलन करेंगे, और यानी केंद्र सरकार एक बड़ी राहत पैकेज इन क्षेत्रों के विशेष के राज्यों को दे सकता है, ऐसी खबरें हैं। तो जरूर है कि महाचक्रवात तूफान अम्फान जिस तरीके से भारी तबाही के निशान छोड़कर गया है, वो तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो बताती हैं कि कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में खासतौर से। लिहाजा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से अपील की थी और ये भी उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार भी मुआवजा का ऐलान करेगी, उससे पहले वो पूरे नुकसान का जायजा ले रही है, और इसलिए आज दिल्ली में बैठक भी हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वे कर सकते हैं, ये खबरें आ रही है। क्या उनके साथ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी, क्योंकि अपील उनकी ओर से की गई थी जिसको स्वीकार करते हुए अब पीएम जा रहे हैं सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण, तो क्या उनके साथ में संभवतः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रह सकती हैं? देखिए अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऑफिशियल सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कल कर सकते हैं, तो ये देखना होगा कि उनके साथ कौन मौजूद रहेंगे। लेकिन ऐसे वक्त जब काफी मदद की जरूरत है, उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो ऐसे में वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार केंद्र सरकार संपर्क में है, उनके मुख्य सचिवों के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर चुके हैं। ये जरूर है कि हालात का जायजा लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री कल हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं, अब तक इसके अलावा कोई इनपुट नहीं मिला है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों की भरपूर मदद का भरोसा दे रही है, तो राजनीति जो टकराव है उसको परे रखने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी दिखाई देती है। और ममता बनर्जी कह चुकी है कि कोरोना से भी बड़ा संकट उनके राज्य पर इस वक्त दिखाई देता है, जो कि हालात है जिस तरीके से महाचक्रवाती तूफान आया है अम्फान, उसने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। कोलकाता में जो तस्वीरें आई हैं वो काफी डरावनी वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ था, काफी वहां पर नुकसान हुआ है, तो जानमाल के नुकसान का जायजा वहां पर लिया जा रहा है, लगातार उसका आकलन किया जा रहा है। चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तबाही की तस्वीरें हैं, जो साइक्लोन के बाद तबाही हुई है, जो पानी भरा है, जिस तरीके से तहस नहस सब कुछ दिखाई दे रहा है।